जब अमृत का बंटवारा किया जाने लगा, एक तरफ दानवों को बैठा दिया, एक तरफ देवताओं को। अब जो मोहिनी अवतार हुआ है, उनकी व्यवस्था हुई अमृत बांटने की, देवताओं को अमृत पिलाया, फिर दानवों की तरफ गई, अपनी माया से घड़े को बदल दिया। साधारण जल दानव पी रहे हैं और अमृत देवता पी रहे हैं। राहु ने देख लिया महाराज, उसने देवता का रूप ले लिया और सूर्य और चंद्रमा के बीच आकर बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा के बीच बैठा तो जैसे ही मोहिनी उसे अमृत पिला रही थी तो सूर्य भगवान ने पहचान लिया कि ये तो दानव है, और कहा कि ये दानव को अमृत पिलाया जा रहा है। भगवान ने अपना चक्र छोड़ दिया और राहु का शीश कट गया। लेकिन सौभाग्यवश क्या हुआ कि अमृत जो है कंठ तक चला गया था, और जहां तक अमृत चला गया वहां तक वो चीज अमर हो गई, इसलिए राहु का जो शीश था वो अमर हो गया। और राहु के रक्त के साथ वो अमृत पृथ्वी पर गिरा। बड़े ध्यान से सुनने की बात है, राहु के रक्त के साथ वो अमृत पृथ्वी पर गिरा जिसे लहसुन और प्याज पैदा हुए हैं। क्या पैदा हुए हैं? वैसे तो औषधि है, वैसे तो औषधि है, लेकिन हमारे मंदिरों में इनका भोग क्यों नहीं सब्जी में डाला जाता, भोग क्यों नहीं लगाया जाता? क्योंकि एक राक्षस के रक्त के साथ ये पृथ्वी पर गिरे थे, इसीलिए इसे तामसिक माना जाता है, इसीलिए इसका सेवन नहीं होता है। वैसे तो अमृत से बने हैं लेकिन एक रक्त के साथ नीचे पृथ्वी पर गिरे हैं, तो इसीलिए इसका सेवन नहीं होता है। बोलो हरे कृष्णा।